नमस्कार दोस्तों, 24 अक्टूबर 2024 को राजकोट मंडल में JEE में रैंकर कोटा के लिए एग्जाम आयोजित किए गए थे। इनमें कुल 33 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें 3 प्रश्न ऑप्शनल थे और 30 प्रश्नों का इसमें जवाब देना था। समय था 36 मिनट का। तो आइए इस प्रश्न को हम आपके लिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ 60 kg रेल इन मिलीमीटर। 60 kg रेल का ऊंचाई मिलीमीटर में कितना होता है? तो इसका उचित जवाब है 172 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 2, एक्चुअल वेट ऑफ 52 kg रेल पर मीटर लेंथ इज इन केजी। तो प्रति मीटर लंबाई 52 kg किलोग्राम का रेल का वास्तविक वजन होता है 51.89, यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3, मिनिमम लेंथ ऑफ परमानेंट रेल क्लोजर ऑन रनिंग लाइन फॉर अ स्पीड अप टू 100 km/h ऑन अदर देन LWR ट्रैक, यानी कि LWR ट्रैक के अलावा 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति तक चलने वाली लाइन पर अस्थायी रेल की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? और इसका उपयुक्त जवाब है ऑप्शन सी, 5.5 मीटर। हाउ मेनी डिग्रीज हैव द नॉर्मल प्रोब इन यूर सेफ्टी टेस्टिंग। तो 0 डिग्री प्रोब को नॉर्मल प्रोब कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5, एन IMR रेल शुड बी रिप्लेस्ड विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम इट डिटेक्शन। IMR रेल जैसे ही पता चल जाती है तो उसे 3 दिन के भीतर बदल देना चाहिए। प्रश्न संख्या 6, मैक्सिमम परमिसेबल ओवरहैंग इन 13 मीटर लॉन्ग 90 UTS रेल। तो 13 मीटर लंबी रेल होती है, उसमें जो ओवरहैंग होता है वो मैक्सिमम 3.25 मीटर का हो सकता है। ग्रेड 90 UTS इज इक्विवेलेंट टू 90 UTS 880 MPa मेगा पास्कल इक्विवेलेंट माना जाता है। हुक बोल्ट इज अ फिटिंग यूज्ड इज। तो हुक बोल्ट की जो फिटिंग इस्तेमाल करते हैं वो गर्डर ब्रिजेस पर इस्तेमाल किया जाता है। लेइंग टॉलरेंस फॉर स्लीपर स्पेसिंग। स्लीपर स्पेसिंग में जो स्टैंडर्ड उसका डिस्टेंस होता है सेंटर टू सेंटर, उसमें टॉलरेंस कितना हो सकता है? तो ±20 mm का हो सकता है। लुब्रिकेशन ऑफ ERC शैल बी डन इन कोरोजन प्रोन एरिया। कोरोजन प्रोन एरिया में लुब्रिकेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रत्येक वर्ष होती है, यानी ऑप्शन बी। इन अदर देन LWR ट्रैक परमिसेबल अमाउंट ऑफ क्रीप ऑन BG ट्रैक इज। LWR के अलावा बाकी जगहों पर जो परमिसेबल क्रीप होती है उसकी जो सीमा है वो है 150 मिलीमीटर। ड्यूरिंग पैकिंग ऑन कर्व्स फॉलोइंग रेल शैल बी ट्रीटेड एज अ बेस रेल। पैकिंग करने के दौरान में इनर रेल को ही बेस रेल माना जाता है। प्रश्न संख्या 13, इन डीप स्क्रीनिंग ऑफ ट्रैक द स्पीड रिस्ट्रिक्शन कैन बी रिलीज टू नॉर्मल बाय मैनुअल पैकिंग। यहाँ पर है कि मैनुअल डीप स्क्रीनिंग और मैनुअल पैकिंग से संबंधित सवाल लग रहा है, तो इसे 21 दिनों में यह नॉर्मलाइज कर दिया जाता है स्पीड को। ऑन BG LWR या CWR ट्रैक सैलो स्केलिंग शैल बी डन विद व्हेन द रेल टेम्परेचर इज बिलो। सैलो स्केलिंग कब तक किया जा सकता है? तो सैलो स्केलिंग ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल में है, तो जो हमारी वर्किंग टेम्परेचर होती है वही टेम्परेचर रहेगा, TD+10 डिग्री सेल्सियस। इसमें कहीं वाइडर स्लीपर की कुछ बात नहीं की गई है, इसलिए हम इसे ऑप्शन इसका बी मान रहे हैं। अगर ऑप्शन नहीं, अगर वाइडर स्लीपर को अगर हम इसमें कंसीडर करें तो TD+15 डिग्री होता, लेकिन चूंकि वाइडर स्लीपर की कहीं चर्चा इसमें नहीं की गई है इसलिए TD+10 डिग्री सेल्सियस इसका सही जवाब माना जाना चाहिए। गेज मेंटेनेंस टॉलरेंस लिमिट फॉर कर्व्ड BG ट्रैक विद रेडियस 400 मीटर और मोर। 400 मीटर या अधिक त्रिज्या वाले घुमावदार BG ट्रैक के लिए रख रखाव की सीमा -6 mm से 15 mm के बीच में होती है। थ्रू पैकिंग ऑफ ट्रैक कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी ऑपरेशंस। थ्रू पैकिंग में कुल 8 ऑपरेशंस होते हैं और डिस्टेंस पीसेज इन प्लेटफॉर्म लाइन से आर फिक्स्ड एट स्पेसिंग ऑफ। प्लेटफॉर्म पर जो डिस्टेंस पीसेज लगाए जाते हैं वो 30-30 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं।
इन इलेक्ट्रिफाइड टेरिटरी नो टूल और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द वर्कर शुड कम विद इन फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम द लाइव कॉन्टैक्ट वायर। इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन में कोई भी उपकरण या कर्मचारियों का शरीर का कोई भी हिस्सा लाइव वायर के 2 मीटर के भीतर में नहीं आना चाहिए। प्रश्न संख्या 19, ऑल फिश प्लेटेड ज्वाइंट शुड नॉर्मली बी लुब्रिकेटेड वंस इन हाउ मच ड्यूरेशन। सामान्यतः फिश प्लेटेड ज्वाइंट को साल भर में एक बार फिश प्लेट को ग्रीसिंग यानी लुब्रिकेशन किया जाता है। मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ स्लीपर ऑन ब्रिज शुड बी। ब्रिजेस पर जो स्लीपर होते हैं उनमें अधिकतम जो दूरी हो सकती है वो 600 ओम की हो सकती है। और प्रश्न संख्या 21, अनसर्विसेबल मटेरियल नॉट फिट फॉर यूज इन ट्रैक शैल बी पेंटेड एट इंड बाई विच कलर। तो अनसर्विसेबल मटेरियल्स को डॉब ऑफ रेड से किया जाता है, लाल रंग का निशान लगा दिया जाता है पीछे में। द पर्सन इंचार्ज फॉर वर्किंग ऑफ रेल डॉली शैल बी रेलवे सर्वेंट नॉट लोअर इन रैंक देन। यानी रेल डॉली के संचालन के लिए जो प्रभारी व्यक्ति होगा वह रेल सेवक कम से कम कीमेन रैंक का होना चाहिए और वह A3 मेडिकल पास भी होना चाहिए। फॉर चेकिंग ऑफ स्क्वायरनेस ऑफ स्लीपर्स विच टूल इज यूज्ड। तो यह बहुत फेमस सवाल है। टी स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं स्लीपरों की गुनिया की जांच करने के लिए। इन थ्रू पैकिंग बैलास्ट शुड बी ओपेंड आउट टू अ डेप्थ बिलो स्लीपर बॉटम। स्लीपर बॉटम के नीचे कहाँ तक उसको खोला जाता है, तो 50 मिलीमीटर तक खोला जाता है। प्रश्न संख्या 25, इजमेंट ग्रेडियंट एट द टाइम ऑफ पैसेज ऑफ ट्रेन्स वाइल डूइंग लिफ्टिंग ऑफ ट्रैक शुड नॉट बी स्टीपर देन। इजमेंट ग्रेडियंट जो दिया जाता है लिफ्टिंग के टाइम में वह 25 मिलीमीटर पर रेल से कम नहीं, स्टीपर नहीं होनी चाहिए। और ट्रैक को जैसे ट्रैक को ये उठा रहे हैं या गुजारने समय जो सुगमता ढाल दी जाती है वह 25 मिलीमीटर प्रति रेल से तीव्र नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन संख्या 26 है, ड्यूमेटिक मशीन हैज फॉलोइंग नंबर्स ऑफ टैंपिंग टूल्स। ड्यूमेटिक मशीन में 32 टूल्स होते हैं। डायनामिक ट्रैक स्टेबलाइजर यानी कि 093X मशीन कैन पैक हाउ मेनी स्लीपर्स एट ए टाइम। यह एक बार में 3 स्लीपर को टैंप कर सकती है। क्वेश्चन संख्या 28 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज अ ट्रैक लेइंग मशीन। तो इनमें से कौन सा ट्रैक लेइंग मशीन है। CSM एक टैंपिंग मशीन है, यूनिमेट भी टैंपिंग मशीन है टर्न आउट की, BCM बैलास्ट क्लीइंग मशीन है, तो PQRS एक ट्रैक लेइंग मशीन है। मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व परमिटेड ऑन बीजी ट्रैक। बीजी ट्रैक में इसमें कोई LWR वगैरह नहीं बताया गया है, सिंपली पूछा गया है कि बीजी ट्रैक में मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व कितना परमिटेड हो सकता है, तो वह 10 डिग्री हो सकता है। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 1 डिग्री बीजी ट्रैक। बहुत सिंपल सवाल है, तो 1750 मिलीमीटर। राजभाषा के 3 सवाल हैं, ये ऑप्शनल सवाल होते हैं जिसको कि आप अगर अपने 30 सवाल वहां नहीं बना पाए हैं तो उनमें से किसी को रिप्लेस यहां से किया जा सकता था। तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन्ड अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के बारे में उल्लेख मिलता है, तो यह है आर्टिकल 343। इन विच ईयर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास। राजभाषा जो अधिनियम था 1963 में पारित हुआ था और ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स डू नॉट अप्लाई टू स्टेट ऑफ इंडिया। राजभाषा नियम 1976 है वो तमिलनाडु पर लागू नहीं होते हैं। तो इस प्रकार हमने कुल 33 प्रश्नों का समाधान इसमें ढूंढा है। अगर आपने परीक्षा इसमें दिया है तो आप इसे अपने आंसर सेट से मैच करा सकते हैं। तो फिर से मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।